CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, शव को शहर के अस्पताल चौराहे पर रखकर परिजनों ने किया हंगामा। कोतवाली पुलिस व देहात थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा। पीड़ित परिवार टीकमगढ़ जिले के बड़ा थाना अंतर्गत ग्राम ककरवाह के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि 4 नवंबर की देर शाम लक्ष्मण वंशकार किराना दुकान से अपने घर वापस लौट रहा था। उसी गांव के राय समाज के लोगों ने लक्ष्मण वंशकार पर डंडों से हमला कर दिया था। घायल युवक को टीकमगढ़ जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया, जहाँ उपचार के दौरान लक्ष्मण वंशकार की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने की जगह पर शव को टीकमगढ़ अस्पताल चौराहे पर रखकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने बड़ा गांव थाना पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, यह चार तारीख की घटना है। 4 नवम्बर की सुबह 10:30 के समथिंग हमारे वंशकार समाज का ये लड़का, इसका लक्ष्मण नाम है, यह गांव में कोई काम से गया होगा, तो वहाँ पर खंगार समाज के लोगों ने इस लड़के के साथ पहले पैसे ऐसे छीने, दारू वारू के लिए पैसे ऐसे छीने, और छीनने के बाद जब उसने पैसे ऐसे नहीं दिए तो उन्होंने मारपीट इतनी की उन्होंने कि सीधे वो रेफर होकर वहाँ से यहाँ टीकमगढ़ आ गए। पुलिस प्रशासन ने अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई थी वो की है, लगभग बता रहे हैं कि FIR की है, लेकिन हमारी ये सोच नहीं कि मतलब इतना मारा गया कि यहाँ से झांसी भी रेफर होगा, रेफर होने के बाद वहाँ उनकी मृत्यु होगी, ख़त्म भी हो गया वो लड़का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज के साथ जो जिस समाज के लोगों ने, खंगार समाज के लोगों ने मारा है, तो हम चाहते हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए और साथ में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए प्रशासन से, हम ये चाहते हैं। ये दिनांक 4/10/2021 को फरियादी रामू बाल्मीक द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट लिख कराई गई थी कि गांव के ही कुछ राय समाज के लोगों द्वारा गांव के बाल्मीक और वंशकार समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिस पर से थाना पर अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया था। उसी प्रकरण के एक पीड़ित जो थे इलाज के लिए झांसी में इलाजत थे, उनका आज देहांत हो गया है, तो उसी पर उनके परिजन इकट्ठे हुए हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद जैसे भी साक्ष्य आते हैं कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट।